नमामि मे ज्ञातया तुरं गजः
समयामि परम परायणम्। नमामि वेज्ञातया तुरं गजा।
इस संकट में स्थिति से उद्धार करने में ग्राहीण घड़ियाल से पासे न फंदे से विधातु भाग्य के आवृत बंदी अपि यद्यपि मैं ऐसी स्थिति में हूँ अहम मैं भी तम उस भगवान की यामी शरण में जाता परम जो दिव्य है परायण जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे सम्मानित देवताओं की भी आश्रय है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियां का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी, इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान के शरण में जाता हूँ जो हर एक को यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। तात्पर्य, यह संसार पदम पदम यत विपदा के रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि इसमें पग पग पर संकट, मूर्ख है, झूठे ही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इसमें पग पग पर और हर क्षण संकट है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान और सुंदर कार हो तो इसका जीवन पूर्ण है। पाश्चात्य जगत में विशेषतया अमेरिका में अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु जो ही वह सड़क पर कार चलाता है तो उसे संकट बना रहता है, क्योंकि वह किसी भी क्षण दुर्घटना में मर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में यह सोचते हैं कि यह संसार अत्यंत सुखमय स्थान है तो यह हमारा अज्ञान है। असली ज्ञान यह है कि यह भौतिक जगत संकट से पूर्ण है। हम वहीं तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु जब भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से नहीं बचा देते तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। अतएव प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत 7:9-19, बालस्य निह शरण पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतो नव तप्तस्य तत् प्रतिविधिर्य इहान्य श्रेष्ठ तावत् विभो तनु मृगान तदुपेक्षितान। भले ही हम सुखी रहने या इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों न ढूंढ लें, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती वे हमें कभी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग भगवान के शरण लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं मूर्ख नामम दुष्कृतनो मूर्खा प्रपद्यन्ते नराधमा। अधम लोग कृष्ण भावना में ग्रहण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कृष्ण के रक्षा के बिना ही वे अपनी रक्षा कर लेंगे, यह उनकी भूल है। गजेंद्र का निर्णय सही था, ऐसी संकट में स्थिति में उसने भगवान की शरण ग्रहण की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की एक क्रम प्राप्त श्लोक है।
देखते कक्षा में बैठते होंगे तो पीछे के सारी बातों से परिचित हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नियमित नहीं हैं, तो उनके जानकारी के लिए मैं संक्षेप में गजेंद्र की स्थिति का निर्देश करता हूँ कि गजेंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब इनके महत्व को आप समझ सकते हैं कि इनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार ग्रहण, सीधे भगवान इनके पास आए, तो इसी बात से इनके महत्व को आप समझ सकते हैं। अब इस बात को सुन करके महाराज परीक्षित बहुत विस्तार से इस कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की, और इस कथा की विशेषता है कि जो व्यक्ति गजेंद्र का स्मरण करता, या गजेंद्र जिस वन में रहते थे उसका स्मरण करता, या सरोवर का स्मरण करता, तो उससे ही उसका बहुत भारी मंगल होता है। गजेंद्र जी की कथा प्रस्तुत करने के लिए परीक्षित महाराज प्रार्थना की, और शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज की प्रार्थना को सुन करके सुखदेव गोस्वामी इसका अभिनंदन किए और मुदा उवाच, बड़े ही आनंद से इस कथा को कह रहे, मुदा प्रसन्नता पूर्वक इस कथा को बोल रहे और कथा प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर पर्वत था, आसित गिरवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृत, पर्वत में यह श्रेष्ठ था और विस्तृत, इस पर्वत की ख्याति सब जगह फैली हुई थी, और क्षीरो देना वृत श्रीमान योजना युत मुंशित, एक पर्वत क्षीर समुद्र के अंदर ही था, क्योंकि क्षीरो देना आवृत चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये पर्वत चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, श्रीमान ये समृद्धि से युक्त है और योजना युक्त मुच्छित, और यह 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है, पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है, एक योजन में चार कोस होता है, चार कोस का मतलब 8 माइल या 12 किलोमीटर, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और बहुत ही ऊंचा पर्वत है, और जैसे ऊंचाई है तो वैसे ही तावता विस्तृतः पर त्रिवी सिंह पयोनित, जितना ऊंचाई है और उतना ही इसका विस्तार भी है, लंबाई चौड़ाई वैसा ही है, और इसके जो 3 शिखर हैं वे बहुत अच्छे लगते हैं, दिशाओं को शोभित कर रहे हैं। इस पर्वत का नाम त्रिकूट है क्योंकि इसके 3 शिखर बड़े ही आकर्षक, शिखर अनेक थे लेकिन 3 शिखर बहुत आकर्षक थे, और शिखर जो 3 है, एक शिखर लोहे का था, एक शिखर चांदी का था, और एक शिखर सोने का था, रौप्या जस हिरण भय, और दिशा खम रोचयन आस्ते, अब शिखर की ऊंचाई थी उसके चलते सारी दिशाएं सुंदर लग रही थी, अरे यहां तक आकाश की भी शोभा बढ़ रही थी, और अन्य ककुबा सर्व रत्न धातु विचित्र थे, 3 तो प्रमुख शिखर है,
और भी कई एक शिखर हैं और उसमें नाना प्रकार के रत्न थे। पर्वत है उसके साथ ही खूब घना जंगल है, खूब अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, फूल और फल के वृक्ष हैं। अब फूल और फल के वृक्ष हैं तो उसके चलते विविध प्रकार के पक्षी वही रहते हैं और सुख पूर्वक अभी आवाज कर रहे हैं, भौरे फूलों का रस पी कर के मतवाले हैं और वे गान कर रहे हैं और बहुत ही सुहावना है। और उसी पर्वत पर एक सरोवर था, बहुत विशाल सरोवर। सरोवर में स्वर्ण कमल खिले हुए थे, सुना जैसे कमल खिले हुए हैं और कमल के जो पराग है तो झड़ झड़ करके सरोवर में गिरते हैं और उससे सब जगह सुगंध भी फैला हुआ। ओ इतना सुंदर वो वन था कि देवता लोग आकर के वहां निवास करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसी पर्वत के कंदरा में अपनी साधना करते थे और वहां संगीत की आवाज सुनाई दिया करती थी। देवलोक से लोग आते थे और संगीत गाते थे तो वे जब आलाप लेते थे तो उसका प्रतिध्वनि सुनाई देता था। इधर से आलाप लिए तो कंदरा से ये पर्वत शिखर से टकरा कर उसकी आवाज आती थी। वो तो आवाज ऐसा गंभीर था कि सिंह गरजने लगते थे, सिंहों को लगता था कि कोई सिंह गरज रहा है। तो उसके चैलेंज को स्वीकार करके उसके प्रत्युत्तर में सिंह गरजते रहते थे, श्लाघना प्रसंग गया। और वहां बहुत सुंदर सुंदर उद्यान है, कह रहे हैं कि उसी सरोवर पर एक ऋतुमान उद्यान है और वह तो विविध प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ है। जितने अच्छे अच्छे वृक्ष होते हैं सब उस उद्यान में है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और शोभितम तीरजस्यान्य नित्यर्तु विकलम द्रुमय, उस सरोवर के आसपास सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और वे सब ऋतु में खुशहाल रहते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब बतला रहे हैं कि उसी वन में एक गजराज आश्रय लिए थे और गजराज बहुत शक्तिशाली थे और हाथियों का स्वभाव है कि झुंड में रहते हैं। तो गजेंद्र जी कई एक हाथियों के साथ रहते थे, कई एक हथिनियां थी, कई एक बच्चे थे और कह रहे हैं कि शकंटकम कीचक व्यत्र वेणुवत विशाल गुल्म प्रजनन वनस्पति। और गजराज बहुत शक्तिशाली थे, अब उनको शक्ति का घमंड था, शक्ति के चलते वे कई वन में जाते थे और बड़े बड़े वृक्षों को रौंदते हुए जा रहे हैं। वे ग्रुप में है, कई एक हाथी हैं तो जिधर चल रहे हैं तो चलने के प्रभाव से जो लताएं हैं तो उसको तो रौंद ही रहे हैं, जो वृक्ष इत्यादि भी हैं तो मतवाले हाथी उसको तोड़ते हुए जाते हैं। प्ररुजत वनस्पति और चारों तरफ है उसी वन में विहार करते। अब एक दिन की विशेष घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि एक दिन बहुत तेज धूप था, बहुत हौल गर्म हो रहा था। अब धूप के चलते गर्मी के चलते जो हाथी का ग्रुप है तो ताप अनुभव करने लगे, गर्मी का अनुभव करने लगे और उनको प्यास लग गई। बहुत
गर्मी अनुभव कर रहे हैं, प्यास लग गई। और जैसा पहले वर्णन किया गया है कि सरोवर में बहुत कमल खिले थे, वे उसके पराग गिर गिर करके झड़ते थे, तो अब जो सरोवर है उसमें कमल के पराग के चलते वहां से जो हवा जा रही है तो बहुत सुगंधित थी। और सरोवर से गुजर करके जो हवा जा रही थी उसमें शीतलता भी था। तो दो लक्षण से गजेंद्र समझ गए कि निकट में कहीं सरोवर है, हवा शीतल आ रही है और सुगंधित है। तो इस आधार पर वे अनुमान कर लिए कि किधर सरोवर है और बड़े तेजी से उधर बढ़ने लगे। पूरे अपने युद्ध के साथ बड़ी तेजी से वहां गए, सरोवर प्राप्त किए, बहुत सुंदर सरोवर था। तो सबसे पहले तो जाकर के पानी पिए और अपने शरीर को शीतल किए। लेकिन अब अपने स्वभाव बस, परिवार के आसक्ति बस, अब बहुत देर तक उसी में विहार करने लगे। सरोवर के पास गए थे आवश्यकता से, प्यास लगी थी, घाम का अनुभव कर रहे थे, धूप का अनुभव कर रहे थे, तो उतना काम तो कर लिए, पानी पी लिए और शरीर डुबा करके शीतलता भी प्राप्त कर लिए। लेकिन अब वही विहार करने लगे, पानी उठा करके अपने पत्नियों के शरीर पर फेंकने लगे, अपने सूंड से पानी उठा करके पत्नी के शरीर पर फेंक रहे हैं और बच्चों के शरीर पर फेंक रहे हैं। और प्यास तो बुझ गई है लेकिन वो अपने सूंड से उठा करके हथिनियों को पानी पिला रहे। यह कोई आवश्यक नहीं था, यह आसक्ति बस, वे खुद ही सक्षम थे लेकिन ये अपने से पानी पिला रहे, ये आसक्ति का लक्षण है। हम लोग आज भी देखते हैं कि यहां तक कि मतलब पब्लिक प्लेस पर भी अब कोई दूसरे के मुंह में केक डाल रहा है, मिठाई डाल रहा है, अरे वो अपने से खा सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है। और पहले उसके मुंह में एक कट डालते हैं फिर जूठा खाते हैं, ये सब केवल आसक्ति का लक्षण। और गजेंद्र जी का व्यवहार ऐसा होने लगा, बहुत देर तक अब हथिनियों के साथ विहार करने लगे उसी सरोवर में। और उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था और क्रोध के मारे आकर के उनके पैर को पकड़ लिया, चरणे रुसा ग्रही, वो बहुत देर तक खिलवाड़ करने लगे। अब उसको क्रोध आया और चरणे दोनों चरण को, दो पैर को पकड़ दिया। अब पैर को पकड़ लिया तो तम तत्र कश्चित् निपतैव चोदितः, वो तो क्रोध के मारे पैर को पकड़ा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दैव का विधान था, दैव के प्रेरित होने से ग्राहो बलियंत चरणे रुसाग्रह, और यदृच्छैवं व्यसनं गतो गतो यथा बलं श्रोति बलो विचक्र में। अब ग्राह दोनों पैर को पकड़ लिया और कह रहे कि अति बल, गजेंद्र जी तो बहुत शक्तिशाली थे, अब सुन चुके हैं कि जिधर जाते थे बड़े बड़े वृक्षों को भी तहस नहस करके जाते थे, तो बल उनके पास बहुत है। और यथा बलम विचक्र में, अब बहुत भारी संकट में है, व्यसनम गत, और जितना उनका बल था तो अपना पराक्रम दिखाए, अपने बल का प्रयोग किए कि इस संकट से मैं मुक्त हो जाऊं, उसके फंदे से मैं मुक्त हो जाऊं। और यथा बलम अपने बल के अनुसार वे अपना प्रयास किए और कुछ देर तक
तो खुद ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन आतुरम अब देखे उसके साथ वाले कि गजराज गजेंद्र तो बड़े दुखी हैं, तो तथा तुरम युद्ध पतिम करीण विकृष्यमानम तरसा बलियसा विचित्र सुर दीन धियो परे गजा प्रास्निस रह तारे तुम न चासप। अब दूसरे हाथी भी चिघाड़ मार करके दौड़े और सब अपने सूंड की सहायता से उनको निकालने का प्रयास किए, लेकिन न चप असक। अब गजेंद्र को सब मिल करके भी ग्राह के पास से नहीं छुड़ा पा, और नियुद्ध तो रेवम इभेंद्र न प्रयो। अब ग्राह और गजेंद्र में खींचातानी चल रहा है, ग्राह जोर से पकड़ा है और गजेंद्र उसके बंधन से मुक्त होना चाहते, और यह कार्य समा सहस्त्र 1000 वर्ष तक चलता रहा। 1000 वर्ष तक अपने बल का प्रयोग करते रहे, एक दो दिन में 1000 वर्ष। आप थोड़ा स्थिति पर विचार कीजिए कि जो ग्राह है तो अपने स्थान पर है, जब उसका स्वाभाविक निवास स्थान है, लेकिन गजेंद्र तो पानी में है और 1000 वर्ष से युद्ध में लगे हुए हैं। कब उनका शक्ति क्षीण होने लगा? पहले तो बहुत बल अपना अजमाए, लेकिन किसी के लिए बल की सीमा है। वे अब थकान महसूस करने लगे और काले दीर्घ महान रूप विकृष्ट मानस जले वसीद विपर्य योग सकल जलोस। अब इनके मन में निराशा आने लगे गजेंद्र जी को, लेकिन ग्राह के लिए कोई विपरीत परिस्थिति नहीं, वो तो स्वाभाविक अपने स्थान में था तो उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब गजेंद्र जी महसूस करने लगे कि अब तो हमारे प्राण पर ही संकट है। यदा प्राणस्य संकटम, अब ये अनुभव करने लगे कि अब तो प्राण बचाना बहुत कठिन लग रहा है, और विचार करने लगे कि अब इस स्थिति में क्या करना है। बहुत देर तक तो दूसरे दूसरे जो हाथी हैं तो उनका सहयोग कर रहे थे, वे प्रयास कर रहे थे, अब वे नहीं कुछ कर पाए तो जो हथिनियाँ हैं उनकी पत्नियां हैं तो वे जाकर के उनकी सहायता करने लगे। वे अपना बल लगा रही हैं कि हम लोग पानी से खींच लें, लेकिन अब गजेंद्र जी विचार करने लगे कि न मामे में ज्ञाते आतुरम गजा उतः करिण्य प्रभवन्ति मोचित। अरे जो हमारे मित्र हैं पारिवारिक संबंधी हैं, वे लोग अपना बल लगा करके हमको ग्राह के पास मुक्त नहीं कर पाए कि हथिनियां क्या मुक्त करेंगे। तो वे विचार करने लगे, ध्यान करने लगे कि हमको क्या करना चाहिए। दध्योर्मा बुद्धि मथा पे पद्यत, जो बहुत आतुर हो गए, अब लगा कि प्राण नहीं बचा पाएंगे, तो विचार करने लगे। उनके मन में विचार आने लगा कि बड़े बड़े हाथी हमको मुक्त करने में समर्थ नहीं है, तो हथिनियाँ क्या हमको मुक्त करेंगे, तब हमको क्या करना चाहिए। तो वे महसूस कर लिए कि यह साधारण ग्राह का फंदा नहीं है, विधातुरावृत, हम तो विधाता के फंदा में पड़ गए। एक ग्राह का फंदा होता केवल तो मैं अपने बल से निकाल लेता, लेकिन यह तो विधाता का फंदा है, तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो निर्णय ले रहे हैं, उनके बुद्धि का निर्णय दे रही है
जब विधाता के पास में बंधे हो तो विधाता के शरण में जाओ। और इसी बात को कह रहे हैं कि अपि अहम च तमयामि परम्परायण, मैं भी उसी विधाता के शरण में जाएंगे। और विधाता के विषय में, भगवान के विषय में कह रहे हैं कि परम्परायण, अब विधाता के शरण में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति है कि वे किसी भी संकट से बचा सकते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति सहायता करता है, कोई रस्सी में किसी को बांध दे तो काट सकता है, लेकिन जो कर्म का बंधन है और उसको कोई मनुष्य नहीं काट सकता। जो काल का बंधन है तो उसको कोई मनुष्य कोई प्राणी नहीं काट सकता, लेकिन भगवान की क्षमता है कि किसी प्रकार का बंधन, जो कर्म का बंधन हो काल का बंधन हो, तो उससे भी मुक्त कर सकते। तो कह रहे हैं कि परायण, हम तो उस व्यक्ति का भगवान का शरण लूंगा जिसका शरण बड़े बड़े देवता लोग देते हैं। परेशान अयनम, जो बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जैसे व्यक्ति के भी आश्रय है, तो यहां में परम उसी सर्वोच्च भगवान का मैं शरण लूंगा। और गजराज जी अब इस निर्णय पर आ गए कि भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका सब कुछ पर कंट्रोल है, चाहे वो कर्म हो काल हो, तो सब पर उनका कंट्रोल है और किसी के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। वे सबसे सुंदर आश्रय है। शिव जी संकर्षण देव का स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भजे भजन्य रणपाद पंकज, हम तो अरण्य पाद पंकज का भजन कर रहे, उसका आश्रय ले रहे। भजे भजन्य रणपाद पंकज, या भजे भजे न्यारण पाद पंकज, न्यारण अरण का अर्थ होता है शरण आश्रय। और शिव जी कह रहे हैं कि नी सब प्रकार से आ सर्वतः, जो अरण है आश्रय है और रण है, रण का अर्थ होता है युद्ध, और उपलक्षण से रण मतलब टेंशन स्ट्रगल, लेकिन भगवान का चरण और रण वहां कोई किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं है, सब प्रकार से सुरक्षित स्थान हुआ है। और शिव जी कह रहे कि भजे भजन्य रणपाद पंकज, उसी का मैं आश्रय ले रहा हूं। गजेंद्र जी भी भगवान के चरणों की महिमा का स्मरण करते हैं। परम्परायण, जो बड़े बड़े लोग हैं उसका भी अंतिम आश्रय वही है। इस संसार में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं मुक्त हो सकता, मृत्यु सबके पीछे लगी हुई है, लेकिन उस मृत्यु की स्थिति है जो भगवान से भयभीत होकर के अपना काम कर रहे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मत भया बात की बात हो, हमारे भय से ये हवा बह रहा है, और सूर्य तपति मत भया, सूर्य मेरे भय से नित्य प्रकाश दे रहे, वर्ष इंद्रो इंद्र हमारे भय से वर्षा कर रहे, दहत्य जो आग में दाहिका शक्ति है आग जला रही हमारे भय से, और मृत्यु चरति मत भया, मेरे भय से मृत्यु अपना काम कर रही है। तो भगवान की स्थिति है कि चाहे अग्नि हो सूर्य हो चंद्रमा हो मृत्यु हो इंद्र हो या पवन देवता, सब पर उनका कंट्रोल है। तो भगवान कि यह स्थिति है कि किसी भी संकट से उबार सकते, भगवान के लिए कोई चीज अशक्य नहीं है। और पहले गजेंद्र जी अपना बल लगाए, उनके सहयोगी बल लगाए,
अब उनसे कुछ अंतर नहीं हुआ, वो कहे कि हमारी पत्नियां क्या इसमें सहयोग कर सकती। अब जिसका बंधन है, जो बांधा है, तो उसी के शरण में मैं जा रहा। भगवान किसी भी परिस्थिति में कुछ न कुछ सोलूशन निकाल देते हैं। इसी अष्टम स्कंध में अदिति की कथा है। कश्यप के उपदेश से अदिति भगवान की आराधना की, 12 दिन का व्रत बतलाया, तो अतंद्रिता बिल्कुल आलस्य का त्याग करके दत्त चित्त होकर के व्रत का अनुष्ठान की, और उस व्रत का प्रभाव हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। वो भगवान से अपनी बात कही, परंतु भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न हुई, स्तुति की और कही कि हम अपने पुत्रों का स्थान चाहते, शत्रु पर विजय चाहते। और भगवान कहे कि इस समय तो उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि काल उनके अनुकूल है, ब्राह्मण उनके अनुकूल है। तो न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, मैं तो कहूंगा इस समय युद्ध करना सुखद नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं। और मान हो अदिति के मन में निराशा आ गया कि तब तो भगवान की आराधना विफल हुई, हम तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करके तपस्या की, हमारे पति कहे थे कि भगवान की आराधना निष्फल नहीं जाती, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस समय शत्रुओं से युद्ध करना ठीक नहीं। वो बहुत निराश हो गए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तथा पायो मम देवी चिंत संतोष तस्य व्रत चर्या। भगवान कहे कि युद्ध से विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कुछ उपाय सोचूंगा। तथा पायो मम देवी चिंत संतोष तस्य व्रत चर्या, तो व्रत का पालन की हो, हमारी अर्चना की हो और उससे मैं संतुष्ट है। और ममार्चनम नारहते गंधु मन्यता श्रद्धा अनुरूपम फल हेतु तत्व, हमारी अर्चना कभी निष्फल नहीं जा सकती, जैसी श्रद्धा है उसके अनुरूप फल की प्राप्ति होती ही है। तो भगवान की आराधना कभी निष्फल नहीं जा सकती। हम भगवान के शरण में जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में कोई ना कोई भी सोलूशन दे देते। तब इस पॉइंट पर गजेंद्र जी आ गए कि साधारण बंधन नहीं है, मैं तो विधाता के पास में बंध गया हूँ, तब उन्हीं के शरण में जाऊंगा। और ऐसा निर्णय नहीं करके और भगवान को पुकारने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, और भगवान साक्षात वहां उपस्थित होकर के गजेंद्र की रक्षा किए। तो गजेंद्र स्तुति की विशेषता है कि जो व्यक्ति गजेंद्र का स्मरण करता है, उनके स्तुति का पाठ करता है, तो आज भी देखा जाता है कि बड़े बड़े संकट से भी मुक्त हो जाता है। और गजेंद्र जी की कथा की बहुत महिमा है। समय के अनुसार हम लोग कुछ अंश प्रस्तुत करने का प्रयास किए, अब आगे की कथा आप लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। इस कथा में जब गजेंद्र प्रार्थना किए तो उनको पता नहीं था कि परम भगवान कौन है, वो खाली फूल जा करके बोले कि जो भी परम है मैं उनको फूल अर्पित करता हूँ। तो भगवान ऐसा हमने सुना है कथा में, तो भगवान फिर सब देवता लोग देखने लगे अभी कौन आएगा कौन आएगा, लेकिन भगवान इतने मतलब दयालु थे कि वो करके तुरंत भाग के आते हैं, वो तो गरुड़ से भी ज़्यादा स्पीड में भागे भगवान। क्या ये सच है? हाँ ऐसा है, वो पहले प्रारंभ किए तो देवता लोग आशा में थे कि हम लोगों का नाम लेगा उठारेगा जाएंगे, लेकिन वो कहे कि जो सर्वोच्च है उसके शरण में मिल जाए। भगवान ने एक विशेषता है कि वे अनन्यता को पसंद करते हैं। जो भगवान पर ही पूरा पूरा समर्पित है तो भगवान भी उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं।
एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। एक जैसे छोटा सा बच्चा है और उसकी स्थिति है कि वह करवट भी नहीं बदल सकता, पूरा पूरा माँ पर आश्रित है, तो माँ भी पूरा पूरा उसका ध्यान रखती है। अब वही बच्चा थोड़ा खेलने लगा, अपनी कुछ योजना कराने लगा, तो माँ का स्नेह होता है लेकिन वैसा स्नेह नहीं होता। पर जो व्यक्ति पूरा पूरा भगवान पर ही आश्रित होता है, किसी देवी देवता का आश्रय नहीं, किसी नेता परेता का आश्रय नहीं, पर भगवान उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। देवता लोग प्रतीक्षा में थे कि हम लोगों को पुकारेगा तो हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन अब एक सर्वोच्च का ही पुकार, हम उसके शरण में जाते हैं जो सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान वहाँ पहुँच व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उनकी रक्षा की। अच्छा, गजेंद्र की स्थिति में तो हम लोग बाद में विचार करेंगे। दूसरा अवतार कहाँ से होता है यह पहले बतलाएंगे। जन्माष्टमी को भगवान आए तो वो कहाँ से आए? आए गजेंद्र को मुक्त करने के लिए प्रकट हुए ना, और वही मन्वंतरावतार में। यहां मन्वंतरावतार की चर्चा है, और भगवान किसी निमित्त के चलते किसी कार्य के लिए कई एक अवतार ग्रहण करते हैं, और उसी में हरि अवतार है। भगवान गजेंद्र को मुक्त करने के लिए अवतरित हुए और वही मन्वंतरावतार हो गए। गजेंद्र को मुक्त करने के लिए अवतरित, जो भी भगवान है जिस रूप में कोई भी अवतार सुनते हैं तो उनका चेम्बर है वैकुंठ में, उस स्वरूप रहते हैं, तो वहीं से आ जाते। इनका प्रश्न है कि यहीं भूतल पर या स्वर्ग में थे वहां से रक्षा करने के लिए आए कि बैकुंठ से आए? क्योंकि बैकुंठ से आएंगे तब उसको अवतार कहा जाएगा ना, जब ऊपर से नीचे अवतार उतरते हैं तो उसको अवतार कहा जाता है। तो पीछे वर्णन को पढ़ेंगे तो यही है कि जिनके द्वारा गजेंद्र मोचित हुए, मुक्त हुए, गजेंद्र को मुक्त करने के लिए अवतार। जैसे पूर्व भगवान प्रकट हुए मंदर पर्वत को उठाने के लिए, तो वैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान अवतार लिए, अपने धाम से आए। लेकिन वो बात कहीं पर मन में अटकती है कि ऐसे क्यों कहा गया, क्योंकि
तो जो कहते हैं उनसे पूछना चाहिए ना, चाहिए। संघ के विषय में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। हम लोग मंदिर में आरती के समय संघ बजता है, लेकिन दूसरे जगह ऐसा नहीं है। और संघ का ध्वनि बहुत मंगल माना जाता है, और मंदिर में दोनों टाइम बज रहा है, घर में भी दोनों टाइम बजा रहे हैं, तो उसमें क्या कठिनाई है? हमको तो कुछ कठिनाई नहीं लग रहा है। अब जो मना करते हैं तो उनका क्या फिलॉसफी है, उनसे समझना चाहिए। मना करने का क्या फिलॉसफी है, किस आधार पर मना करते हैं, तो उसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं कुछ कह सकते। कुछ कुछ स्थिति है कि संघ वादन का निषेध किया है, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है और उसको संघ बजाने का मना किया है, तो उसका कारण भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो हवा का प्रेशर देने से हो सकता है कि उसके गर्भ पर कुछ निगेटिव असर आए, तो कुछ कुछ निषेध है। लेकिन संध्या के समय क्यों मना कर रहे हैं जो अध्यात्मवादी हैं, तो उनसे पूछना चाहिए क्या आधार है। हो सकता है कि वो कुछ ठोस आधार बतला हो। ऐसे तो भगवान के सामने संत बजा रहे हैं और मंगल ध्वनि है, हमको तो कोई इसमें कठिनाई नहीं लग रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं महाराज संत के विषय में कि स्त्री को संत नहीं बजानी चाहिए। हाँ, मतलब लोग परिचय नहीं। हाँ, और कुछ कुछ स्थिति है गर्भवती और तो उसी को वो व्यापक रूप में सुरक्षा दे देते हैं। अब गर्भवती के बदला स्त्री पर ही निषेध कर देंगे तो गर्भवती भी सुरक्षित हो जाएगी ना। देखिए, करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन करते हुए भी भगवान पर ही आश्रित होना है। क्योंकि डॉक्टर किसी को तब तक बचाता है जब भगवान उसको मारना नहीं। देखिए, प्रभुपाद के श्लोक को उद्धृत किए हैं, समय हो गया था तो इसलिए आप उस पर नहीं गए। बालस्य नेह शरणो पितरो नृसिंह। कोई छोटा सा बच्चा है, वो माँ को जितना उसके प्रति स्नेह है और दूसरा को उतना स्नेह नहीं है। बच्चे से माँ बहुत स्नेह करती है। हम तो यहाँ तक सुने हैं कि बच्चा पेशाब कर देता है तो जो कपड़ा गीला हो गया उसके मूत्र से, और दूसरा हिस्सा जो सूखा है तो माँ सूखे कपड़े को बच्चे के साइड में कर देती है और गीले कपड़े पर खुद ही सो जाती है। जहाँ सीमित संसाधन है, एक चादर पर बच्चा भी सोया है, माँ भी सोई है, और माँ बच्चा पेशाब किया है, वस्त्र गीला हो गया, तो सूखा साइड को बच्चे के तरफ कर दे और खुद गीले साइड पर सो जाती। बहुत स्नेह है, छाती में लगा करके रखती है। लेकिन देखा जाता है कि माँ गोद में बच्चे को रखी है, पूरा इच्छा है कि इसको स्वस्थ कर दे, गोद में लिए लिए बच्चे की मृत्यु। नाव से आदमी समुद्र को पार कर जाता है, लेकिन आप लोग न्यूज में सुनते हैं ना कि नाव से ही नाव के साथ लोग डूब गए। डॉक्टर है, लोगों को ठीक कर देता है, लेकिन हम तो देखे हैं कि एक दो डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों की टीम लगी है। बहुत अनुभव हम लोगों को ऐसा हुआ,
क्योंकि हम लोग जब विश्वविद्यालय में थे, गांव के लोग दवा कराने के लिए आते थे, उनके साथ हम लोग जाते थे, तो तीन चार डॉक्टर, पांच छह डॉक्टर घेरे हैं और पंपिंग कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तब तक दो तीन मिनट के बाद नीचे उतार रहे थे। तो डॉक्टर लोग जरूर रक्षा है, लेकिन जब तक भगवान सेंशन करते हैं तब माँ जरूर हितैषी है, रक्षक है, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तब तक है। और इस संसार में देखा जाता है सुरक्षा का साधन, लेकिन वो तब तक ही काम करता है जब भगवान चाहते हैं। भगवान न चाहे तो स्वतंत्र रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं। यह भगवान का ही विधान है, उनकी व्यवस्था है, वैद्य का, माता पिता का, तो इसको इग्नोर करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं। अब इसका हेल्प ले रहे हैं, लेकिन भरोसा भगवान का रखना है कि ये कुछ सहायता स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। और डॉक्टरों को भी इस बात का ज्ञान है। हम सुनते हैं कि बनारस में एक डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे, तो पीछे एक बोर्ड लिखवाए थे, उसमें अभी लिखे थे आई ट्रीट, आई को स्मॉल लेटर में लिखे थे, जनरली कैपिटल लिखते हैं ना, लेकिन वे स्मॉल लेटर में लिखे थे आई ट्रीट, और ही को कैपिटल लेटर में ही क्योर्स। तो इस चेतना में रह करते सहायता ले सकते हैं, दवा का, सहयोगी का, लेकिन मन में रखना चाहिए कि अंततः सहायक भगवान, उनके इच्छा के बिना, उनके सैंक्शन के बिना कोई दूसरा सहायता नहीं कर सकता। ये अंतराल तो होता है ना, अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग स्टैंडर्ड है। हम लोग तो दो चार घंटा पढ़ते हैं, उसी में नींद आने लगी, थक जाते हैं, और जो कंपटीशन वाले हैं तैयारी कर रहे हैं तो 12 घंटा 14 घंटा उसी में लगे रहते हैं। अब जाएंगे स्टूडेंटों का जहाँ आवास है, तो 12 घंटा 14 घंटा उसी में लगे रहते हैं। तो गजेंद्र के पास बल था, जिधर चलते थे तो बड़े बड़े पेड़ को भी रौंद देते थे, तो समा सहस्त्रम 1000 वर्ष तक अपना ताकत लगाए, लेकिन उसके बाद उनके बल क्षीण होने लगे, क्योंकि भोजन इत्यादि भी नहीं मिल रहा था। तो उनका इतना बल था 1000 साल तक लगते। इस संसार में हम देखते हैं, अब शारीरिक बल का तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन कचहरी में बल देखते हैं, कोई कोई 1-1.5 साल में ही उग जाते हैं, केस छोड़ देते हैं, कोई कोई 40-50 साल तक केस लड़ रहे हैं, कोई कोई भक्त है अब 1 दिन बॉम्बे के रेल में चलने के बाद हाथ जोड़ते हैं, और कोई कोई है जो 10-20 साल तक वैसे ही चल रहे हैं। आप भी कुछ कह रहे हैं। मैं बोला सरेंडर, सरेंडर की क्या परिभाषा है? सरेंडर का मतलब क्या है? जो हो रहा है जैसे हो रहा है। हाँ, एक नया क्लास के लिए टॉपिक दे दिए। क्या क्या किसी दूसरे भक्त से पूछ लीजिएगा। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, रक्षित विश्वास, गोपित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, सर्व विधा शरणागत।
और शरणागति के 6 फेज हैं, 6 फोल्ड है ये सरेंडरेंस है। लेकिन ये 6 में भी 5 तो सहायक होते हैं, 1 मुख्य होता है। तवास्मिन इति बदन वाचा, वाणी से बोल रहा है कि हे नाथ मैं आपका हूं, और मनसा तथा विदर, और मन से भी यही विचार कर रहा है। ऐसा नहीं वचन से कुछ बोल रहा है और मन में कुछ दूसरा संकल्प है। और तद आस्थान मास्तिर शरणागत मोदते ऐसे, और शरीर से भगवान के लीला भूमि का आश्रय है। वचन से यह कहना कि हे नाथ मैं आपका हूं, और मन में वही भावना कर, और तन्मा तदस्थान मास्तिक, और शरीर से भगवान के धाम में आश्रय ले। तो ऐसा जो शरणागति है तो मोदते वह बहुत आनंद में रहता है। तो मुख्य शरणागति का यह अंश है, और इसी के और भी सपोर्टिंग आइटम है, अनुकूल संकल्प भजन के जो अनुकूल स्थिति है तो उसका संकल्प करना, मतलब उसको संग्रह करने का जुटाने का संकल्प लेना, और प्रतिकूल वर्जन जो भजन के प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसको रिजेक्ट करना, उसको हटाने का संकल्प लेना। और रक्षिष्य तिथि विश्वास, मन में दृढ़ विश्वास कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और भक्तित्व वर्णन तथा अपने रक्षक के रूप में उन्हीं का वर्ण करना, और आत्मनिक्षेप अपने भावना को व्यक्त करना, कार्यपण्य अपने दीनता को व्यक्त करना, अपने दीनहीन स्थिति को भगवान से बतलाना कि 66 विधा शरणागति, शरणागति के ये 6 अंग समझ रहे हैं कुछ। तो ये 6 अंग है। अब 6 में वे श्रीपाद जीव गोस्वामी अंग और अंगी का थोड़ा भेद किए। तो मुख्य चीज है तवास्मी इति बदन वाचा, वाणी से बोल रहा है नाथ मैं आपका हूं, और तथाई वो मनसा विदन, मन से भी ऐसा सोच रहा है, और तन्वा तद स्थान मास्तिक, शरीर से भगवान के स्थान लीला भूमि, या तन्वा तद स्थान राधा मदन मोहन जी का जो स्थान है, तो शरीर से इसका आश्रय लिया। तो ऐसा शरणागत भक्त आनंद में रहता है। अब एक एक अंग की व्याख्या की गई है, और दूसरे भक्तों से ये सब पूछ लेना चाहिए। किसी को अपने से अपनी इच्छा से प्रॉब्लम में नहीं डालते, या कभी कभी किसी को अपने इच्छा से भी प्रॉब्लम में डालते हैं, जैसे राजर्षि भरतमुनि को वे भक्ति को बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो आप प्रॉब्लम में डालने की बात कह रहे हैं तो इतना समझना चाहिए कि व्यक्ति का अपना कर्म फल उसको प्रॉब्लम में डालता है। भगवान तो कृपा करके उसके कर्म फल समाप्त हो जाए, तो इसके लिए प्रॉब्लम डालते हैं, भुगाने के लिए डालते हैं, और भगवान का कंट्रोल है कर्म पर। जो भगवान की शरणागति को स्वीकार करेगा, उनका आश्रित रहेगा, तो उसको थोड़ा सा उसका भुगा करके और काफी अंश माफ कर देंगे, और उसका कर्म फल है। और इसलिए
भगवान संकट में डाल करके उद्धार करते। अब जो स्वाभाविक भक्ति कर रहा है, कोई बहुत बुरा कर्म फल नहीं है तो उसको क्यों संकट में डाल। बहुत सारे लोग हैं कि आनंद से भक्ति करते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि संकट में डाल करके उद्धार करें। जो भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो सीधे उनको वैकुंठ में बुला देंगे। श्रीपाद जीव गोस्वामी ध्यान का विवरण प्रस्तुत करते हुए कथा का उल्लेख किया है। ऐसे ध्यान तो भगवान के रूप का करते हैं, लीला का करते हैं, और उनके सेवा का भी ध्यान करते हैं। एक ब्राह्मण थे प्रतिष्ठानपुर में, कावेरी नदी के तट पर स्थान, और बहुत गरीब ब्राह्मण थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक दिन सत्संग में गए तो वहां सुने कि ठाकुर जी के मानसिक सेवा करने पर भी जो अकिंचन भक्त है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो मानसिक सेवा करे तो प्रकट सेवा का फल मिल जाता है। वे बड़ा उत्साहित हो गए कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और ठाकुर जी रखे थे तो वार्षिकोत्सव मनाते थे, प्राय प्राय जिस दिन स्थापना हुई है उस दिन वार्षिकोत्सव मनाते हैं, पाठोत्सव भी उसको कहते हैं। तो खूब बड़ा आयोजन मन ही मन कर रहे थे। वे सुन लिए थे कि मन से भी करने से उसका फल मिल जाता है, तो मंदिर के सफाई के लिए खूब अच्छा से झाड़ू लगाए और कई एक तीर्थों का जल मन ही मन लाए, सोने के पात्र में लाए, ठाकुर जी का अभिषेक किए और उनको वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, और इसके बाद भोग लगाने लगे। भोग में मन ही मन कई एक चीज है वे बना रहे थे। और भोग का भी एक नियम है, प्रभुपाद लिखे हैं कि खीर ठंडा हो जाता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। भगवान भी गिरिराज जी का भोग तैयार करने के लिए कहे तो सिस्टम भी है, पंचतन विविधा पाकर सुपानता पाए साथ है, खीर पहले बना लेना कि ठंडा हो जाए, ठंडा करके भगवान को भोग लगा लें। कुछ लोग अग्नि पान कराने लगते हैं वो विधि सम्मत नहीं है। तो पंडित अब खीर बनाए थे, भोग लगाने के पहले थोड़ा सा सोचे कि खीर को चेक कर लूँ कि ठंडा हुआ कि नहीं, तो उंगली से ऐसे छूने का प्रयास किया, उंगली से टच हुआ और खीर गर्म थी, उनका उंगली जल गया। अब तो बड़ी चिंता में पड़े कि अब तो खीर दूषित हो गया, कैसे भोग लगाए, अब कैसे भगवान को भोग लगाएंगे। और उस समय भगवान वैकुंठ में थे अपने पत्नी लक्ष्मी जी के साथ। अब उस ब्राह्मण के चिंता को देख करके भगवान को हंसी आ गई, भगवान हंसने लगे। अब हंसने लगे उनकी पत्नी पूछ ले क्यों हंस रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं, कोई कारण तो नहीं, क्यों हंस रहे हैं। और भगवान इग्नोर करना चाहे कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी का अब आग्रह हो गया कि नहीं ऐसे कैसे होगा, हंस रहे हैं। अब पत्नी का तो कंट्रोल होता है, कारण होता है क्यों हंस रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। भगवान उसी समय अपने पार्षदों को भेजे विमान के साथ, और विमान लेकर के गए पार्षद उस ब्राह्मण को वैकुंठ में लाए, और तब लक्ष्मी जी से सब चीज पर एक्सप्लेन की हंसने करता है। तो उनको किसी संकट में डाल करके तो नहीं उद्धार किए। अब बहुत बड़ा प्रारब्ध है, बहुत बुरा कर्म है, तो भगवान थोड़ा सा संकट में डाल देते एक स्थिति, और तुरंत प्रश्न करेंगे कि बड़े बड़े भक्त भी संकट में देखे जाए, उनका केस दूसरा है। वो भक्ति बढ़ाने के उस स्थिति में डालने से वे भगवान का और स्मरण करते हैं। तो भगवान कृपालु कभी कभी भक्ति बढ़ाने के लिए
किसी को संकट में डालते। अभी अपने आनंद के लिए या अज्ञान व संकट में नहीं डाल देते, या तो उसका बहुत भारी कर्म है तो थोड़ा सा उसको भुगा देते हैं, बाकी माफ कर देते हैं, या भक्ति बढ़ाने के लिए। आप राजर्षि भरत का चरित्र सुनते मृग में आसक्त हो गए, और अब वहां वे संतप्त थे, विषम उद्भिज मान, किसी का संग नहीं करना चाहते थे, सूखा पत्ता खाते थे, और मृग के शरीर में थे, और स्पष्ट हरे नमः परमात्मने नमः बोले। और भगवान राजर्षि भरत के भक्ति को और बढ़ाने के लिए उन पर दुर्गति में डाल दी। तो कभी कभी भक्ति को बढ़ाने के लिए डालते, और कभी कभी बहुत प्रबल प्रारब्ध है तो उसका कुछ अंश भुगाने के लिए। और अपना बुरा कर्म नहीं है तो भगवान किसी संकट में नहीं डालेंगे, सीधे वैकुंठ में ले देंगे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।